Welcome to Physics for You, the ideal physics study application by Akshay sir. My dear students, अभी हम मैं आपको बताऊंगा Oerster experiment. Oerster experiment. O E R देखिए O E R S T E D Oerster experiment. Oerster experiment. मैं आपको बता रहा हूँ कि ओरेस्टर ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था. ओरेस्टर ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था कि ओरेस्टर ने किए थे कि एक कोयर के अंदर जब करंट जा रहा है, ये करंट कोयर के चारों तरफ नजदीक में चारों तरफ करंट के वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होता है, पड़ता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, रहता है. एक कोयर के अंदर करंट जाने से उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड रहता है, प्रोड्यूस होता है. तो अभी देखिए ओरेस्टर लिखिए डिड सेवरल एक्सपेरिमेंट. ये बहुत सारे एक्सपेरिमेंट ओरेस्टर ने किए थे. एक्सपेरिमेंट to conclude that magnetic field produce near a current carrying wire or around चारों तरफ एक करंट कैरिंग वायर के वजह से चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है. वो एक्सपेरिमेंट उन्होंने किए. क्या क्या किए थे मैं आपको बताऊंगा. देखिए पहले ओरेस्टर ने क्या किया. एक कंडक्टर नाम AB है. इसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा. तो रेजिस्टेंस ये अंदर में है, ये करंट फ्लो को अपोज करेगा. तो इसको मैं ऐसा नहीं देख रहा हूं. ये वायर है. इसको क्या किए, एक बैटरी लगाए और यहां पर एक स्विच लगाए. स्विच या की, दिस इज की, दिस इज बैटरी. बैटरी का कुछ पोटेंशियल और ईएमएफ होगा. अच्छा, उन्होंने क्या किया है कि ये नीचे, ये जो सिस्टम है उसका नीचे एक कंपास, मैग्नेटिक कंपास उन्होंने रखे. मैग्नेटिक कंपास हमेशा नॉर्थ साउथ ओरिएंट होके रहता है. हमेशा मैग्नेटिक कंपास ही रखेंगे तो नॉर्थ साउथ ऐसे ओरिएंट होके रहेगा. तो अभी ये स्विच खुला है यानी कि सर्किट में करंट नहीं जा रहा है. वो देखे कि भैया कि मैग्नेटिक कंपास जो नॉर्थ साउथ ऐसे ओरिएंट होके था, करंट नहीं जा रहा है तो ऐसे भी ओरिएंट होके रहेगा. ऐसे था ऐसे ओरिएंट होके रहेगा क्योंकि स्विच खुला है, की खुला है. अभी क्या करें, सेकंड एक्सपेरिमेंट. दिस इज फर्स्ट, पहले आप समझिए उसके बाद लिखेंगे. दिस इज सेकंड. देखिए पहले देखिए, वही वायर है ए बी, एक बैटरी लगा था, एक की लगा था, उसके नीचे एक कंपास था, मैग्नेटिक कंपास. वो नॉर्थ साउथ ऐसे इंडिकेट करके रहा था. अभी वो क्या किए कि स्विच को ऑन कर दिए, ऐसे की को ऑन कर दिए. की को जो ऑन करेंगे बैटरी से, सर्किट क्लोज हो गया तो बैटरी से पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकला, ऐसे आई. तो यहां फ्लो किया करंट आई, ऐसे फ्लो किया करंट आई, ऐसे फ्लो किया करंट आई. तो करंट के वजह से यहां कुछ फर्क पड़ा, कुछ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ जिसके वजह से जो कंपास था
वो जनरली नॉर्थ साउथ ऐसे इंडिकेट किया था ओरिजिनली, अभी वो ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे कुछ ओरिएंट हो गया। मैं ओरिजिनल नॉर्थ साउथ पोल से ऐसे हो गया, नॉर्थ पोल ऐसे चला गया, साउथ पोल ऐसे चला गया, ऐसे थोड़ा डेविएट हो गया कंपास। इसका मतलब क्या है ना, इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड पड़ रहा है, उसका प्रभाव पड़ रहा है, इसलिए कंपास डिफ्लेक्ट हो रहा है। किसके वजह से? करंट के वजह से। अभी उन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट नंबर 3, पहले समझिए वही वायर है, एबी वही बैटरी है, ये की है, इस जो की ओपन है, की ऑन है, जो क्लोज है, सॉरी ऑफ है, ये जो कंपास नीचे था, इसका बिलो था, ये जो मैग्नेटिक कंपास को ऊपर रखते हैं, ऐसे 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 रखते तो ऐसे भी वो नॉर्थ साउथ ऐसे इंडिकेट करेगा। अभी वो क्या किए, जब की को ऑन किए करंट फ्लो करेगा, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल से करंट आता है, ऐसे जाएगा करंट आई, ऐसे जाएगा करंट आई, ऐसे जाएगा करंट, और ये करंट की वजह से ये कंपास मैग्नेटिक नीडली जो है ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। देखिए नीचे रखने से ऐसे था, ऐसे ओरिएंट हुआ था, पर ऊपर रखने से उल्टा ओरिएंट हो गया, नॉर्थ यहां चला गया, साउथ यहां चला गया, यानी कि डिफरेंट पोजीशन में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन डिफरेंट पड़ता है, करंट का इस साइड अलग मैग्नेटिक फील्ड पड़ता है, करंट का इस साइड अलग मैग्नेटिक फील्ड पड़ता है, इसीलिए मैग्नेटिक कंपास का डिफ्लेक्शन अलग हो गया। फिर वो क्या किए, ऐसे किए, फोर्थ एक्सपेरिमेंट आईवी, वो क्या किए, वही हो रहा है, वो बैटरी का पोजीशन को चेंज कर दिया, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल उसके बाद पॉजिटिव टर्मिनल लगाया, ये की लगाया, ये पहले पॉजिटिव नेगेटिव था, वो भी नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, और कंपास को फिर कोई ऐसे वाला सेकंड केस वाला कट दिया, नीचे रखेंगे तो मैग्नेटिक कंपास ऐसे होगा, नॉर्थ साउथ ओरिएंट करना चाहिए था, ऐसे होना चाहिए, और अभी से वो क्या किए, की को ऑन किए, स्विच ऑन किए, तो करंट उल्टी दिशा से फ्लो करेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव करंट, हमेशा करंट आई ऐसे, करंट आई ऐसे, करंट आई ऐसे, करंट आई। देखिए इस फिगर को देखिए, इस फिगर में करंट क्लॉकवाइज जा रहा है और मैग्नेटिक कंपास ऐसे था, ऐसे ओरिएंट हो गया, और ये फिगर में करंट एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, कंपास नीचे था, ये क्या किया, इसका ऑपोजिट ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, यानी कि नॉर्थ ऐसे हो गया, नॉर्थ पोल यहां ओरिएंट हो गया, साउथ यहां ओरिएंट हो गया। तो कहने का मतलब है करंट का डायरेक्शन चेंज करने से मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हो जाता है। तो ओरेस्टन ने ही कंक्लूड किए कि भैया करंट के वजह से मैग्नेटिक फील्ड पड़ता है, और करंट का डायरेक्शन के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन डिपेंड करता है, करंट का डायरेक्शन उल्टा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी उल्टा हो जाएगा। तो ये बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे। अभी आप एक काम कीजिए, इसको चार कॉलम में लिखिए, ये कॉलम, ये फिगर, ये दूसरा कॉलम आई आई, ये तीसरा कॉलम, ये चौथा कॉलम आई एस, लिख दीजिए, मैं ये चारों फिगर कर दीजिए, साइड बाय साइड चारों फिगर कर दीजिए। अब मैं इसके नीचे कुछ लिखूंगा, इसके नीचे आपको कुछ नोट्स दूंगा, इसके नीचे कुछ नोट दूंगा, इसके नीचे कुछ नोट दूंगा, दिस इज एक्सपेरिमेंट 1, दिस इज एक्सपेरिमेंट 2, दिस इज एक्सपेरिमेंट 3, दिस इज एक्सपेरिमेंट 4। एक्सपेरिमेंट 1 लिखिए, ये सॉफ्टवेयर बनाइए, ये सॉफ्टवेयर बनाइए, ये बात लिखिए, when, नीचे लिखिए, when
की के ई वाई की ऐसे की ब्रैकेट के अंदर के इज ओपन ओपन खुला होगा व्हेन द की ब्रैकेट के अंदर के इसको स्विच भी बोलते हैं इज ओपन कॉमा नो करंट फ्लोज थ्रू द वायर एबी फ्लोज थ्रू द वायर एबी पुस्तक द कंपास एनकी मैग्नेटिक कंपास सी ओ एम पी ए एस एस कंपास placed below the where placed below the where है अभी where के नीचे below the where orients orients रहेगा orient करके रहेगा in exact exact excessivity exact नॉर्थ साउथ एनएस लिखिए डायरेक्शन ऐसे नॉर्थ साउथ एग्जैक्ट जो डायरेक्शन है वैसे वो एक ओके समझ गए मेरे बात अभी एक्सपेरिमेंट टू ये सर्किट बनाइए ये सर्किट बनाइए उसका बगल में ऐसे कॉलम दे दीजिए इसका बगल में ये सर्किट बनाइए ऐसे रहना चाहिए था दिस इज इनिशियल पोजिशन नेचुरल पोजिशन नेचुरल पोजिशन दिस इज फाइनल पोजिशन करंट जाने से ये ऐसे हो गया फाइनल पोजिशन पोजिशन को मैं ऐसे लिखता हूं पीओएस सुपर स्क्रिप्ट है अभी नीचे लिखें The key, K-E-Y, key, bracket के अंदर K, is on, on या closed, कोमा, कोमा दीजिए, current flows through the air, current कहां से कहां जाएगा, positive से negative, flows through the air from A to B, from capital A to capital B, and the magnetic compass below the wire AB, below the wire AB. deflects लिखिए deflect हो गया ऐसे deflect हो गया deflects d e f l e c t s deflects from its natural position as shown अभी ये कर दीजिए तीसरा वाला कॉलम ये फिगर कर दीजिए ये फिगर थर्ड फिगर ट्रिपल आई लिखे कर दीजिए मैं ओरेस्ट का एक्सपेरिमेंट आपको डिस्कस कर रहा हूं समझा रहा लिखिए अभी नीचे लिखिए व्हेन The key is closed. When the key is closed, on air is closed, comma, current flows through the air from A to B, positive and negative, A to B, and if and the magnetic compass
द मैग्नेटिक कंपास एबव द वायर एबव एबीओवी एबव द वायर वायर के ऊपर हमने रखे हैं विल डिफ्लेक्ट डिफ्लेक्ट यानी डाइवर्ट हो गया डिफ्लेक्ट फ्रॉम इट्स नेचुरल पोजीशन From its natural position in reverse direction, ऐसे experiment two में जैसे था ये उल्टा हो गया in reverse direction, alternate direction है आज in experiment two, आज in experiment two, experiment two मतलब II अभी ऐसे कर दीजिए ऐसे आई भी उसके साइड में आई भी लेकर ये सॉकेट बनाइए ये सॉकेट बनाइए ये सॉकेट बनाइए अभी नीचे रखिए फिर हुई Interchange the polarity of the battery. Polarity battery यानी कि ये पहले positive negative था अभी negative positive हो गया. Interchange the polarity of the battery and the key K E Y key bracket के अंदर K is closed. Closed, comma, comma लीजिए. Current flows from B to A. Current flows from B to A. B to A, capital B to capital, उल्टी दिशा में, positive से negative. And the magnetic compass. Below the wire AB deflects in the reverse direction उल्टी दिशा में experiment 2 में जैसा था ये उल्टा हो गया polarity change कर दिए तो ये उल्टा हो गया deflects in the reverse direction as in experiment 2 as in experiment 2 मतलब II आज ही एक्सपेरिमेंट टू ओके खत्म हो गया अभी लिखिए नीचे लिखिए ओरेस्टर्स कंक्लूजन ओ आर एस टी ई डी एपोस्ट्रोफी एस कंक्लूजन तो ओरेस्टर ने क्या कंक्लूड किए उन्हें कंक्लूड किए पहला बात यही है कि करंट के वजह से क्या पड़ता है कंपास डिफ्लेक्ट होता है ना पहला चीज है मैग्नेटिक फील्ड पड़ता है दूसरे वजह से करंट के डायरेक्शन के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन डिपेंड करता है करंट का डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा पहला नंबर 1 नहीं ऐसा लिखिए ओरेस्टर कंक्लूड दैट ऐसा लिखिए ओरेस्टर कंक्लूड दैट नंबर 1 मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट के वजह से मैग्नेटिक फील्ड पड़ता है प्रोड्यूस होता है ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट अभी सेकंड लिखे नंबर टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है करंट के डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन ऑफ करंट
द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन ऑफ करेंट. ओके, दिस इज ऑल अबाउट योर ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट. तो करंट के वजह से मैग्नेटिक फील्ड पड़ता है. आपको कोई क्वेश्चन पूछेगा कि भैया कि मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल है बी, यू रेट टेस्ला गॉस, 1 टेस्ला न्यूटन पर 4 गॉस. मैग्नेटिक फील्ड का किसके वजह से पड़ता है? मैग्नेटिक पोल के वजह से पड़ता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल की वजह से, और करंट के वजह से भी पड़ता है. एक क्वायर के अंदर करंट जाएगा कि इसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा. जैसे चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पड़ता है, करंट के वजह से मैग्नेटिक फील्ड पड़ता है. अभी हम देखेंगे कि क्यों पड़ता है.